हर हर महादेव फ्रेंड्स, जय श्री राधे। फ्रेंड्स, मैं माधुरी एस्ट्रोलॉजर आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल में। फ्रेंड्स, आजकल नवरात्रि कितने परम पवित्र दिन चल रहे हैं। हम सभी माता प्रभु की सेवा श्रद्धा भक्ति के साथ कर रहे हैं और हम सबके मन में ना एक आस होती है कि काश हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए माता रानी की दया से। ऐसा हो सकता है क्या? जी हाँ, हो सकता है। माता की दया से सब कुछ संभव है। मैं आज अपनी इस वीडियो में आपके साथ छोटे छोटे टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, जिनको यूज करके ना आप नवरात्रि के टाइम में अपने लाइफ की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को कुछ हदों तक सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपका पहले टिप शेयर करने जा रही हूँ ये है, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र साधना की है, आपके घर के ऊपर किसी ने तंत्र साधना कर दी है, प्रेत बाधा है कोई, या आपके सारे काम रुक से गए हैं, जीवन लाइफ है ना कहीं ठहर सा गया है, कुछ प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बस ऐसा लगता है कि अरे एक के बाद एक के बाद एक प्रॉब्लम लाइफ में आई जा रही है, या घर में कोई बहुत सालों से बीमार है, समझ में नहीं आ रहा क्या करे, क्या ऐसी प्रॉब्लम है। देखिए, ये सब जो प्रॉब्लम्स होती है ना, इनके पीछे हमारे जो ग्रह होते हैं कुंडली में बैठे, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। अब आपको पता नहीं कि आपके कुंडली में कौन से ग्रह खराब हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि फैमिली में एक ही मेंबर, फैमिली में सारे मेंबर्स होते हैं, सबके अलग अलग प्लैनेट्स के वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कुंडली में जो प्लैनेट्स बैठे होते हैं उनके वजह से। तो क्या सब लोग जाकर टिप फॉलो करने लगेंगे? नहीं, नॉट पॉसिबल। तो आप में से किसी भी एक फैमिली मेंबर को ये टिप फॉलो करना है। आई वुड सजेस्ट हियर कि जो भी घर का बड़ा सदस्य है ना, उनको ये टिप फॉलो करनी है। करना क्या है? बहुत इजी टिप है। माता कालरात्रि का दिन आप सभी को पता है मंडे के दिन है इस बार नवरात्रि में। जी हाँ, तो माता कालरात्रि जो है ना, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आता है कि नौ ग्रहों को कंट्रोल करती हैं और प्लस तंत्र साधना में उनका हम विशेष रूप से पूजा पाठ करते हैं। तो आपको नवरात्रि के सातवें दिन मंडे के दिन 21 नींबू लेने हैं, जी हाँ 21 लेमन लेने हैं, और उनको ले जा करके आपको जो भी हार फूल वाले होते हैं ना, मंदिरों के बाहर बैठते हैं हार फूल बना के देते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि आप हमारे लिए एक माला बना दें। इसकी 21 लेमन्स की आपको एक माला बनवानी है और आपके घर के आसपास में माता रानी की जहाँ पर भी मंदिर है, या तो भोले बाबा माता पार्वती होंगे तो भी चलेगा, सिर्फ माता रानी होंगी तो भी चलेगा, आपको मंदिर में ये उपाय करना है, घर में नहीं करना है, ये बात याद रखें। वो माला ले जा करके आइधर आप सनसेट के टाइम में, जिस समय सूर्यास्त होता है, या फिर सूर्यास्त के बाद करें। अगर मंदिरें जल्दी बंद हो जाती हैं तो आप पहले भी कर सकते हैं ये उपाय, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने माला बनवा ली, आपको माला ले जाके माता को पहना देना है। जी हाँ, अगर आप मेल पर्सन कर रहे हैं तो प्लीज़ आप माता को माला पहनाएंगे नहीं, माता के चरणों में रख देंगे। अगर आप फीमेल पर्सन कर रहे हैं घर की, तो आप वो माला माता को पहना सकती हैं। और इनकेस पंडित जी अलाउ नहीं कर रहे हैं मूर्ति टच करना, तो आप वो माला पहल में ही माता के रख देंगे, और रख करके वहाँ आराम से 2-3 मिनट के लिए आँख बंद करके खड़े होकर के माता से, सॉरी आँख बंद नहीं करेंगे, आप माता को देखते हुए ही पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से माता से प्रार्थना करें कि आपके ऊपर या आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सारी प्रॉब्लम्स माता रानी इस उपाय को करने से सॉल्व कर दें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माता रानी की दया से आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा उपाय नवरात्रि से रिलेटेड। मैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक नया उपाय लेकर के आऊँगी, जिसे हम आप चाहें तो टोटका भी बोल सकते हैं, टिप भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, और आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको चाहिए कि और भी डिवोटीज़ को पता चले ये उपाय, क्योंकि हम सभी कर भला हो भला ये रूल फॉलो करना चाहिए लाइफ में, तो आप चाहें तो और भी डिवोटीज़ करते वीडियो शेयर कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।